Good afternoon, friends. Please settle down. The cabinet met this morning and took some very important decisions. We have with us the Honorable Minister for Finance, Corporate Affairs and Defense, Shri Arun Jaitleyji. And also we have with us Honorable Minister for Social Justice and Empowerment, Shri Thawar and Gehlot ji. Both the ministers will brief you on the important decisions. On the dais is Revenue Secretary, Dr. Hasmukh Adia. Secretary, Social Justice and Empowerment, Ms. G. Lata Krishna Rao. Friends, as usual, follow the points of order. Keep your mobiles on a switch off or silent mode. Over to the Honorable Minister. The first main item before the Cabinet was an amendment to the CGST compensation law. This was in pursuance of the decision taken by the last meeting of the GST Council. Now, let me give you the complete background. Pursuant to the implementation of the GST, the price of vehicles had substantially come down, whereas the smaller vehicles remain untouched. As you know, the cess was to be levied only on large or luxury vehicles. The maximum taxation permissible under the GST is 28%. You have 5%, 12%, 18 law. So that cap of 15 for those luxury vehicles which are covered in those two entries has been increased to 25%. This doesn't mean that the cess will automatically increase from 15 to 25. It is only enabling. Now the GST Council, whenever with regard to either of these two categories or both of these two categories, is now entitled to take a decision whether it wishes to increase the quantum of cap, quantum of cess within that permissible cap. Therefore, an enabling ordinance to that effect has been recommended to the Honorable President by the GST Council. मैं एक बार हिंदी में भी इसको सरलता से समझा देता हूं कि जो जीएसटी का कॉम्पेंसेशन का कानून है उस कानून में जो कॉम्पेंसेशन इकट्ठा होता है चार प्रोडक्ट से वो जिन राज्यों में जीएसटी की वजह से राजस्व कम पड़ेगा कम पड़ने का आधार ये है कि जो 2015-16 का टैक्स था उसमें 14% की प्रतिवर्ष की वृद्धि जो उस मापदंड में नहीं आएगा उसको मुआवजा उसमें से दिया जाएगा और इसलिए इसके उस कॉम्पेंसेशन सेस में जाता है. काउंसिल ने निर्णय किया था कि जो दो कैटेगरीज व्हीकल्स हैं ये सब व्हीकल्स पे लागू नहीं होगा, केवल दो कैटेगरी पे होगा जहां सेस की सबसे अधिक सीमा 15% थी, उस कैप को बढ़ाकर 25 कर दिया जाए. ये एनेबलिंग है, ये सुविधा प्रोवाइड करता है उस सेस को बढ़ाने की. सेस बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना किसी वाहन पे, ये निर्णय काउंसिल का रहेगा और काउंसिल के समक्ष आएगा. ये पहला निर्णय आज जीएसटी काउंसिल का था. जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद का था. दूसरा प्रमुख निर्णय जो था वो सोशल जस्टिस विभाग का था. पिछले सप्ताह हम लोगों ने घोषणा की थी कि जो ओबीसी कैटेगरी, और मैं रिपीट कर रहा हूं केवल ओबीसी कैटेगरी, इसमें एससी एसटी नहीं आता, सिर्फ ओबीसी कैटेगरी में जो क्रीमी लेयर होता है उसमें कोई आए वो सीमा को 6 लाख से 8 लाख तक बढ़ा दिया गया था.
1993 में, 1993 में भारत सरकार ने एक निर्णय लिया था कि ये जो क्रीमी लेयर ओबीसी का डिटरमिन करना है वो दो क्राइटेरिया पे तय होगा। पहला क्राइटेरिया होगा आमदनी, इनकम, और दूसरा होगा स्टेटस। जहां तक इनकम का सवाल है वो सीमा केंद्र और राज्य सरकारों में समय समय से बढ़ाते रहे हैं, लेकिन ये 1993 का निर्णय आज तक पीएसयूज में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज में आज तक लागू ही नहीं हुआ, उसको ऑपरेशनलाइज नहीं किया गया। आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने जो एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना हुआ था उसकी सिफारिश के बाद इसको स्वीकृति दी है, और इस स्वीकृति में दो अंश हैं। पहला ये कि जो केंद्रीय सरकार पर सीमा लागू होती है क्रीमी लेयर की 8 लाख रुपए की, 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख की, वो पीएसयूज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे भी लागू होगी, और इसलिए इसका निर्णय डीओपीटी और डीएफएस दोनों उपयुक्त का निर्णय करने की एजेंसीज हैं। दूसरा, जहां तक स्टेटस का सवाल है कि जिन परिवारों के, जिनके पेरेंट्स संवैधानिक पद पे हैं या ग्रुप ए या ग्रुप बी पदों पे हैं, वो स्टेटस इसमें से एक्सक्लूड होता है। तो दो कैटेगरीज जो एक्सक्लूड होती हैं, एक इनकम के आधार पर, एक स्टेटस के आधार पर, और जिसका कि एक लाभ है कि इसका बेनिफिट ओबीसी वर्ग में और बड़ी मात्रा में फैल सके। ये दूसरा प्रमुख निर्णय था। एक तीसरा निर्णय जो सरकार ने लिया है, जिसकी केवल रिपोर्टिंग मंत्रिपरिषद को की गई, क्योंकि वो मंत्रिपरिषद की रूल्स ऑफ बिजनेस में कंसर्न डिपार्टमेंट ले सकता है, वो अलग से आपको उसका एक प्रेस स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आज दे दिया जाएगा, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कवर करते हैं उन तक आप पहुंचा दीजिए। शायद ये इंडियन आर्मी में पोस्ट इंडिपेंडेंस एक प्लान्ड तरीके से एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है जो आर्मी के साथ कंसल्टेशन में किया गया है। कल इसको डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्वीकृति दी है। द गवर्नमेंट हैड कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शेकटकर एंड द मैंडेट ऑफ दिस कमिटी वॉज टू मेक रिकमेंडेशन फॉर एनहांसिंग द कॉम्बैट केपेबिलिटी एंड रीबैलेंसिंग ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज टू इंक्रीज द टीथ टू टेल रेशियो। Now this committee had given about 99 recommendations. Now the government in consultation with the Indian Army has been going through these recommendations, and the first batch of 65 recommendations has been accepted by the government yesterday. The concerned orders will be passed, and these have to be all operationalized by the end of 2019. So the operationalization begins now by 2019. The net effect of this is, as to various different functions in the army, as to in the changed environment of technology, economy, the combat capability of the army, how is it to be best utilized? And there are several far-reaching recommendations. For instance, do we need the military farms at all? Do we, with today's technology availability, need a separate postal department in the army? With regard to technology, now the different
signal establishments, how their functioning is to carry on. The repair equivalents of the army, including the base workshops, etc., how they are to now function. So these are a series of recommendations which have been accepted today. And the net effect of this is that this will lead to a redeployment now of 57,000 officers, JCOs and ORs for various other functions where their requirement in the army is required. It's a far-reaching change, because it's an issue which your colleagues covering the Defence Ministry would know better. So a detailed note for their benefit will be issued just now by the Information Office in the Defence Ministry. Thank you. These are the three important ones. Thank you, Honourable Minister, sir. Now we will take questions. Let's start with you. Yeah. Sir, is it जिसमें आप सफर करते हैं उसपे कोई असर नहीं पड़ेगा जिसपे बड़े लोग सफर करते हैं सर जो छोटी गाड़ी है कि जो इसका असर होगा कि जो लग्जरी व्हीकल्स हैं जिनकी कीमत थोड़ी कम हो गई थी उसको थोड़ा सा रिस्टोर करने की गुंजाइश मिल जाती है अब कितना करती है जीएसटी काउंसिल वो काउंसिल पे डिपेंड करेगा सर दो कैटेगरी को छोड़कर के बाकी सभी पे 15% का सेस है तो क्या उन सभी के लिए चूंकि उसमें मिड साइज भी शामिल होते हैं तो उन सभी के लिए 10% तक बढ़ाने का रास्ता खुल जाएगा और दूसरा मेरा सवाल यह है सर कि क्या 9 तारीख को जो काउंसिल की बैठक है उसमें यह तय होगा कि किस पे कितना बढ़ाना है ये 9 को होगा या कब होगा ये तो काउंसिल ही तय करेगी काउंसिल तय करती है नहीं करती ये भी काउंसिल तय करेगी मैं सिर्फ इतना आपको बता दूं कि जो दो पर्टिकुलर एंट्रीज हैं क्योंकि ऑटोमेटिक ऑटोमोबाइल व्हीकल्स का एक लंबा शेड्यूल है उसके शेड्यूल में जितने बाकी ऑटोमोबाइल्स हैं वो अनटच्ड हैं ये दो कैटेगरीज ऑफ ऑटोमोबाइल्स हैं जो इसके प्रभाव में आते हैं देयर आर 12 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑटोमोबाइल्स ऑफ व्हिच टू आर इंपैक्टेड बाय दिस या दीपक No. This has nothing to do with the quantum of collection. And let me tell you, because so far all people have not filed returns, more will file returns, then final assessments will be made after the matching of vouchers takes place, which can increase the amount. The composition people are yet to come. The object of any taxation policy can't be that its impact is that luxury becomes cheaper and an essential item becomes costlier. So if at all relief is to be given, it is to be given to a common man's item rather than a luxury item. So a person who can afford 1 crore rupees for a vehicle can also afford 1 crore 2 lakhs. Yeah, that gentleman there, right flank, sir. Right. There. 1 minute, we'll come back to you. Sir, within 2 months of GST rollout, you have been increasing sales. Now, what is the second, third, and now on the third? Don't you think that this makes me nervous? No, not at all. It's only when you implement it, you realize where the shoe pinches. The object was GST could never be to make cigarettes cheaper. It would be a mindless policy if it did that. And therefore, the fact that the GST Council immediately and unanimously decided to restore the old price of cigarettes was a good fiscal taxation policy. Yeah, Lakshman. Yes, sir. Sir, yes, 15% se padha ke 25% tak karne ka rasta saaf hua is ordinance se. To kya ye mana jaye ki luxury gaadiyon par GST se pehle jo tax kun dare thi, kam hue uske barabar lane ki koshish hogi sir. Dekhiye, ab council tay karegi, main kyun speculate kar raha hu. Yeah, please. Sir, today the bird group has also expressed their interest in picking
up some stake in Air India. Is there any clarity on what they are looking forward to? Because Indigo had said that they are only interested in overseas operations. And secondly, you know, how soon can we expect things to progress with that? You see, these decisions are to be taken expeditiously, but in their normal course. We have a GOM meeting today, and certainly I'm not going to speak out of turn till such time when we know who all are there and what are the terms of the offer that we make. Sir, just adding to the question on collections, basically, you know, this kind of revenue buoyancy, you know, the trend keeps on over the next couple of months. Do you think there'll be a case basically to look at the GST rates probably on the lower side, especially for items of mass consumption? You see, I can tell you the GST Council is a body which acts on expert advice. It's also a body which comprises of multiple members representing various elected governments. So they are sensitive also. Now, what are the expenditures requirements of each state? So what is the optimum level of taxation? That has to be kept in mind. And I think one has to study a pattern over several months before you have any knee-jerk reactions. Yeah. So taking forward the question, since there is a good quantum of cess which has been collected and the initial figures are quite healthy under the revenue collections of GST, and since you said that it will take some time for the government to assess whether to shift the tax base from either upper side or to the lower side, do you think that close to say half of the fiscal year ending with this thing, can we see a decline in the rates or something? I'm not, or a reduction in cess at least per se? I am not going to make any comment at the moment with regard to the rates. But all I can say is as we go forward, this is an experiment. Now, it started off well. The functioning has been smooth. The IC system has been moving smoothly. The collections have been reasonably buoyant. So we'll see over the next few months as to how it progresses. One of the objects of a more efficient system was to ensure that those not paying taxes start paying taxes. Yes, so an efficient system obviously checks evasion. So coming to the last point that you discussed about the executive order that you've taken on the defense ministry, is this partly part of that Naresh Chandra committee, or is this? No, this is the General Shetkar committee report on defense expenditure and the functioning as to how it can be streamlined the best in accordance with the modern combat requirements. Which means you utilize your resources for the best possible purpose that the army needs it. So I know this has nothing to do with this decision has nothing to do with Doklam, but in the context of what has happened vis-a-vis us withdrawing, will this help in terms of further in terms of combat operations for the Indian Army to ensure that you know these kind of incidents? This is not specific to any incident. This relates to the general functioning. This has been going on much prior to Doklam. In fact, the consideration of the report has also been going on much prior to that date. Yeah, please. Sir, उसके हिस्से को अब एपीएल कैटेगरी के लोग ज्यादा जो है एबल कर पाए। अभी 3 मिलियन के साथ-साथ हमने सब कैटेगराइजेशन का भी निर्णय लिया है तो उसके कारण समुचित और संतुलित वातावरण हर क्षेत्र में बनेगा ऐसा नहीं होगा कि जिसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है वो ज़्यादा फायदा ले लेगा या उसका नुकसान हो जाएगा और जिसको कुछ नहीं मिल रहा है उसको कुछ नहीं मिलेगा ये बैलेंस बनाने के लिए सब कैटेगराइजेशन का निर्णय लिया है और ये जो निर्णय है आज का ये भी ऐतिहासिक निर्णय है 23-24 साल से जब से क्रिमिलियर सिस्टम देश में ओबीसी वर्ग के लिए लागू हुआ था तब से ये मांग की जा रही थी कि सरकार के जो उपक्रम है वो और वित्तीय संस्थाओं पर भी ये प्रावधान लागू होना चाहिए ये ऐतिहासिक निर्णय है इसके कारण भी जो आप
बात कह रहे हैं ऐसा देखिए सरकार के जितने भी आप सामूहिक निर्णय ले लें पिछले सप्ताह सब कैटेगरी का हमने निर्णय लिया सेंट्रल गवर्नमेंट में इसको 8 लाख बढ़ाने का निर्णय लिया उसके बाद जो एक उद्देश्य हमारा अभी तक पूरा नहीं हो पाया कि कमीशन को संवैधानिक ढांचा देना इन सब की दिशा अब इसको पीएसयूज पे लागू किया जो 24 साल से नहीं हो रहा था कि इसके जो लाभ हैं वो ज्यादा फैल सके अब इसको बैलेंस करके चलना स्वाभाविक है सरकार के लिए क्योंकि इसकी जो इंडेक्सिंग करते हैं जो 6 से 8 किया वो हम इन्फ्लेशन के साथ करते हैं लास्ट क्वेश्चन प्लीज You spoke about the government would look into 2 entries to hide this cess. There will be 2 entries to be looked at. So earlier also the government had said that it will increase the ceiling of cess only on 2 entries, that was 8702 and 8703 if I'm not wrong. So this included all cars and not just high end and sports utility vehicles. So could you please elaborate and explain which these 2 entries are? Actually, Joe 8702, to it was already there. 8703 has got many cars, but out of that only one variety of it is being put into the ceiling of 25%. So basically, please understand this thing, that the categorization of cars has not changed. On those cars on which earlier there was a excise duty of 27% or 30%, now those are the luxury category of cars. The same categorization we are following. The only thing is ki earlier when we had put 15% cess. There was not a separate category in the law, but we had used the residual entry to put that 15%. Now we are specifying only those categories of cars which are requiring cess, and that's why we are putting it. But there is no intention of increasing rate on any other car other than those cars which were put in the luxury category and on which there was a very high excise duty as well as high VAT. These are not across the board. For example, in 8702, these are cars for transport of not more than 13% including driver. These are specific entries mentioned. Then in 8703, there are a large number of vehicles where it is not increased. The only category is increased is the ones other than the above. For instance, there are 10 categories, category 1 to category 10 in 8703, which are not increased. It's only category subcategory 11 which is increased. Sir, मैं आलोक प्रियदर्शी जी बिजनेस FDI की जो consolidated policy आई थी सर उसमें FDI की जो consolidated policy आई थी उसमें लिखा हुआ था कि Messrs Air India के लिए जो 100% divestment की जो काली formula है वो नहीं लागू होगा तो सर ये मान के चले कि सरकार की इच्छा है कि Air India का management देशी कंपनी के हवाले रहे विदेशी कंपनी के हाथ अब जियो एम निर्णय लेगा आपको बता देगा जब लेगा सर एक सवाल डोकलाम से जुड़ा हुआ है 70 दिन के स्टैंड ऑफ के बाद फाइनली ये रिजॉल्व हो गया सरकार इसको कितनी बड़ी सफलता मानती है कैसे अचीव हुआ ये और इससे जुड़ा सवाल ये कि क्या इस चीन ने वहाँ पे सड़क फिर फ्यूचर में नहीं बनाने के बारे में जो कुछ कहा है उससे आप बात कैसा है जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री इस पे विस्तृत बयान दे चुकी है और इसलिए इसकी नाजुकता देखते हुए इस पे मल्टीपल बयान देने की जरूरत नहीं है जो वो दे चुके हैं वो सरकार का स्टैंड है आई थैंक द ऑनरेबल मिनिस्टर्स एंड अदर डिग्निटरीज ऑन द डायस थैंक यू फ्रेंड्स